2-3 दिसंबर 1984 को हुए भोपाल गैस कांड को 38 बरस पूरे हो चुके हैं। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में हुई गैस लीकेज की वजह से हजारों लोगों ने जान गंवाई थी। गैस कांड की 38वीं बरसी पर भोपाल में श्रद्धांजलि साइकिल यात्रा निकाली गई। रैली का शुभारंभ नगर निगम अध्यक्ष कृष्ण सूर्यवंशी ने हरी झंडी दिखाकर किया। वहीं बाद में विरोध जताते हुए हादसे का मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन का पुतला भी दहन किया। यदि उस समय डॉलर का जो जिसमें मुआवजा मिला उसका रुपए के रूप में जो अवमूल्यन हुआ है तो उसको यदि जोड़ा जाए तो मुआवजा कितना होता है। यदि गैस पीड़ित को जो आर्थिक नुकसान हुआ, जो मानसिक क्षति पहुंची, उनके कैरियर को जो नुकसान हुआ, यदि गैस पीड़ित के जो वहां पे जो जहरीले रसायन पड़े हैं उसमें जो जहरीला पानी पिया, इसके अलावा जो गैस पीड़ित के जो अनुवांशिक रूप से अगली पीढ़ी को जो असर है, तमाम सारे इन खर्चों को जोड़ा जाए तो कम से कम 50 लाख रुपए गैस पीड़ित का मुआवजा।